किस दुनिया में आ गई मैं? और ये लोग क्या कर रहे हैं? आज मुझे मरना होगा शिवन, तुम्हारी शक्तियों को फिर से जिंदा करने के लिए। शक्तियां पाओगी तो ही तो तुम अगले 25 सालों तक नागमणि की रक्षा कर पाओगी। मेरी कहानी तुम्हारे साथ यही खत्म होती है। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत होता है। जिसकी शुरुआत शायद एक रात के लिए हुई थी, शायद हमारी शादी की। हमारे मिलने की वजह गलत थी, पर हमारा मिलना गलत नहीं था। हम इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, हर जन्म मिलेंगे, प्यार की कसम मिलेंगे। इस जन्म तुम्हें वो मिलना चाहिए जिसके लिए तुम बनी हो। अपने माँ बाबा का इंतकाम और दुश्मनों से नागमणि की रक्षा जिसके लिए मैं बना और जिसके लिए आज मैं मिट जाऊंगा। हम दोनों का कर्तव्य तुम्हें पूरा करना है। हमारी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए फिर लौट के आऊंगा शिवन्य। नहीं बाबा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया बाबा? बेटा हम दोनों में से किसी को आज मरना ही था। तू नहीं मर सकता, तेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। तू इसका साथ दे और नागमणि की रक्षा कर। उस मणि को शिवलिंग में समर्पित कर दे। आज की रात महिष्मति दीवार तोड़ के दीवार के इस पार आ जाएंगे। अगर आज की रात वो मणि ले गए तो ये रात 25 साल बाद आएगी। अगर आज रात ये मणि शिवलिंग में समर्पित हो गई तो वो 25 साल तक इस मणि को छू भी नहीं पाएंगे। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। तू नागमणि की रक्षा कर, तेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई। लेना
ऐसा क्यों किया बाबा? शिवन्या, शिवन्या कहाँ हो तुम? ही अमावस की वो रात शुरू हो जाएगी जो हर 25 साल बाद शुरू होती है युद्ध के शंखनाद के साथ। आज दो सिंह हम टकराएंगे, इस नागमणी के लिए जान पर खेल जाएंगे। अद्भुत होगा उनका तेज, उनकी गति, सूर्यवंशी और महिष्मती। आज तुम सूर्यवंशियों को शिव की उस मणि की रक्षा करनी होगी, नागमणि की रक्षा करनी होगी। अब ये युद्ध शुरू ही होने वाला है।